सो so, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना बेबी बर्थ की जर्नी जी हाँ अपने लेबर पेन से लेके कर आपसे पूरा प्रेगनेंसी मतलब पूरा जो रूटीन था हॉस्पिटल तक का तो अभी मॉर्निंग टाइम है मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए और अमित यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं सामान की बस इतने तक ही मैं वीडियो शूट कर पाई इसके बाद कोई भी क्लिप कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ ठीक है तो आगे आपको सारी जर्नी अपनी बताती हूँ तो लट हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं मैं हूँ प्रीति एंड अगेन आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में तो so, जैसे मैंने वीडियो शूट शुरू किया करना वीडियो स्टार्ट किया वैसे बीबी ने रोना शुरू कर दिया एंड देन फिर रोकना पड़ा क्योंकि बच्चे से बटकर तो कुछ नहीं हो सकता एंड फिर उसको चुप करा दे कराते पूरा दिन निकल गया और अभी शाम के टाइम पे मैं सूट कर रही हूँ बालों पे अभी ऑयलिंग चंपी वगैरह करी है देन अभी बैठी तो मैंने सोचा अपना वीडियो को कम्प्लीट कर लेती हूँ एंड सबसे पहले आप सभी का बहुत सारा थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद दिल से तही दिल से पूरी यूट्यूब फैमिली का जिन्होंने भी मेरी नामकरण वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी गुड विशेज मेरे बेबी को दी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज so, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में और आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अपनी बर्थ स्टोरी बेबी की जो बर्थ स्टोरी है वो क्योंकि लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है किसी ने कोई पूछ रहा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिरेन हुआ है किसी का कहना कि आपके बच्चे का वेट कितना था एंड बहुत सारे क्वेश्चन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन थे आपने कहाँ डिलीवरी करवाई क्या मतलब कैसा कैसा तो ये सारी क्वेश्चन के आंसर आज मैं आप से साथ करने वाली हूँ साथ ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी में बिकॉज हर किसी का एक्सपीरियंस अपना अलग अलग होता है मेरे लिए ईजी था या बहुत मुश्किल था वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी हॉस्पिटलाइजेशन से लेके एवरी तो लेट गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले बात करते हैं जिससे जानने के लिए लोगों की एक्साइटेडमेंट थी कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैंने नामकरण में वीडियो डाली थी मेरा जो बेबी का जेंडर मैं आपसे बताने वाली हूँ मेरा हुआ है बेबी बॉय जी हाँ और मेरा बेबी बॉय हुआ है 31 दिसंबर को जी हाँ मतलब न्यू ईयर के दिन पैदा हुआ है इकतीस दिसंबर को और रात को सो अब इस इकतीस को जनवरी के इकतीस को एक महीने का होने वाला है मतलब कल एक महीने का हो जाएगा जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम है प्रीशा एंड प्रीशा का जन्म हुआ था 2018 के जून में जी हाँ मतलब प्रीशा सिक्स ईयर में चल रही है मेरे दोनों बच्चों में जो गैप एज गैप है वो छः साढ़े छः साल का है सो so, प्रीशा के होने के बाद मतलब हमने ऐसा सोचा नहीं था कि दूसरा बेबी करेंगे बिकॉज़ आजकल के ज़माने में एक बच्चे को पालना ही बहुत टफ है उसकी एजुकेशन हर चीज उनके नखरे उठाना एंड पेरेंटिंग मतलब मुश्किल है पहले के हिसाब से आजकल के ज़माने में बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो प्रीशा लोगों को देख देख के आस पड़ोस में कि मैं अकेली हूँ मेरे पास तो बेबी नहीं है मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है वो लोगों के घर में घुस जाती थी बच्चे देख के और अपने घर आती ही नहीं थी तो इसलिए फिर हमने प्लान किया यार कि ये चीज़ें प्लानिंग से ही होती हैं ऐसा नहीं है कि कैसे भी कर लो सो उसके बाद हमने प्लान किया एंड डिसाइड किया कि एक बेबी और हो जाए ये कुछ भी नहीं था कि लड़का हो या लड़की हो बस हमें एक बच्चा चाहिए था और परीक्षा के लिए कि ताकि वो उन दोनों उन दोनों का बॉन्ड बने वो अपने घर पे रहे बच्चे के साथ रहे अब बात करते हैं कि अब बात करती हूँ मैं आपसे अपनी डिलीवरी के प्रोसेसर की जी हाँ तो जो स्टार्टिंग से मेरा अल्ट्रासाउंड हुए थे पहला जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसके हिसाब से मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी उन्नीस दिसंबर की उसके बाद जो दूसरा तीसरा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ दूसरा नहीं तीसरा वाला उसमें मेरी डिलीवरी डेट थी चौबीस दिसंबर की और जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था जो मतलब नाइन्थ महीने में ही उन्होंने किया नवे महीने में उसमें मेरा 27 दिसंबर को उन्होंने बोला था कि 27 दिसंबर को वो आपकी डिलीवरी होगी तीन डेट थी बच्चे की बर्थ की बट बच्चा हुआ है 31 दिसंबर को तो 27 मुझे मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मुझे कोई भी लेबर पेन नहीं था मतलब तो एक नेचुरल पेन जो लोगों को होता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं था वो मुझे परीक्षा के टाइम पर भी नहीं था इस बार भी मुझे बिल्कुल भी लेबर पेन नहीं हुआ सो ये था कि हम वेट कर रहे थे कि नेचुरल पेन आएगा 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 तो पहले जब हम अपनी पहली डेट में गए तो डॉक्टर ने बोला कि वन वीक का वेट कीजिए फिर वन वीक का वेट किया फिर जब दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि वन वीक का वेट और कीजिए बिकॉज इस प्रेगनेंसी में मेरी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी मैंने आप लोगों से शेयर किया ब्लॉग में कि कभी मुझे हार्ट बीट की बेबी की प्रॉब्लम आ गई थी उस दौरान तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया था देन उसके बाद कभी खांसी हो रहा है कभी बुखार हो रहा है ये सारी चीज़ें चलती रही दो तीन बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रही तो उस दौरान अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें मतलब डेट बढ़ती गई बेबी के बर्थ की सो so, uh, तो ट्वेंटी 24 दिसंबर को हम हॉस्पिटल गए uh, कि आज शायद डिलीवरी के लिए एडमिट कर लेंगे तो गए हम तो डॉक्टर्स ने चेक किया पूरा बॉडी पूरा ढंग से चेक किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे हैं लेबर पे नहीं है तो तुम अभी चले जाओ घर और एक हफ्ते बाद आना तो उसके बाद फिर ट्वेंटी सेवन को जाना था और उन्होंने कहा था कि ट्वेंटी सेवन दिसंबर को तुम्हें आना ही आना है चाहे दर्द उठे या ना उठे तुम्हें आना ही आना है बिकॉज मेरे जो फोर्टी वीक है वो कम्प्लीट हो चुके थे एंड फोर्टी वन वीक में मैं चल रही थी सो so, मतलब पूरा टाइम डिलीवरी का मतलब जा चुका था बस एक वीक का और वो उन्होंने टाइम दिया था कि क्या पता लिवर पेन स्टार्ट हो जाए बहुत सारे लोगों का कहना मतलब मेरे जो रिलेटिव हैं जानने वाले हैं बिल्डिंग में अड़ोसी पड़ोसी नेबर से सब मुझे बोल रहे थे डिलीवरी ना बहुत ईजिली हो जाएगी बिकॉज तेरा पेट बहुत नीचे है बेबी बहुत नीचे है स्टार्टिंग से ही बहुत नीचे दिख रहा था वो एंड सेकेंड बेबी है तो बहुत ईजिली हो जाएगा तो ये सारे ना मिथ्स हैं और ये लोगों की बातें हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है बिकॉज हर बच्चे का प्रोसेसर अलग होता है हर बार आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है एंड मतलब मैं तो अगर बोलूँ तो बिल्कुल ही अलग मेरे साथ था बिल्कुल ही अलग अपोजिट एकदम तो प्रीक्षा के टाइम पे भी मुझे बिल्कुल लेबर पेन नहीं आया था उस टाइम भी वहाँ पे उन्होंने मुझे दर्द दिया था और इस टाइम भी मेरे को वहीं पे उन्होंने आर्टिफिशियल पेन दिया एंड ऐसा पेन दिया कि मतलब मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं अगर अपना प्रेगनेंसी का आपके साथ शेयर करूँ ना मेरा बहुत मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हिलेरियस था तो जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी एट को हम गए उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट कर लिया उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पैल्विक एरिया है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रखा है उसका मुंह जहाँ से बच्चा बाहर आएगा बिल्कुल भी नहीं खुल रखा है कुछ डेढ़ सेंटीमीटर के करीब कुछ था डेढ़ दो सेंटीमीटर खुल रखा था देन उन्होंने मुझे ऐसे ही डाल दिया वहाँ पे लेबर रूम में डालने वाली बात है बिकॉज मेरी जो डिलीवरी हुई है ऑनेस्टली बताऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है प्रीशा भी पहले वहीं पर हुई थी और रिक्शा के वजह से ही मैं दूसरी डिलीवरी के लिए वहाँ पे गई बिकॉज़ बोलते हैं कि नहीं जहाँ पे पहले बेबी सेफली हुआ था अब वहीं पे चले दूसरी बात मेरे घर के बिल्कुल पास में है तो इसलिए यू नो you एमरजेंसी know, में जल्दी से जाने की जरूरत पड़े दूसरी पे वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ठीक हैं इसलिए वहाँ पर हम आ, मतलब नाम लिखवाए तो वहाँ पर मैं मैंने करवाया था अपना ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस गलत था मतलब मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है मुझे नहीं पता था एंड प्रीक्षा के टाइम पे भी मतलब उन्होंने मेरे को नकली दर्द दिया था एंड प्रीक्षा के टाइम पे जो दर्द दिया था आर्टिफिशियल पेन वो एक दो इंजेक्शन से ही मुझे पेन कॉन्ट्रेक्शन जल्दी आने शुरू हो गए थे एंड प्रीक्षा हो गई थी टाइम से लेकिन इस दौरान मुझे कॉन्ट्रैक्शन आए नहीं बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ जैसे मतलब मैं एडमिट किया उन्होंने मुझे अट्ठाईस तारीख को अट्ठाईस के दिन और रात उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया वहाँ पर वो औरों को निपटा रहे थे मतलब गवर्नमेंट में तो निपटाने वाला सीन होता है जिनके वो देख रहे थे हाथ डाल के चेक कर रहे थे कि जिनका पैलवी एरिया खुल गया है उनके एक लिस्ट बना रहे थे उनके वो फटाफट से डिलीवरी करा रहे थे तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं एंड उन... अट्ठाईस को मतलब उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया सिर्फ मेरा ब्लड टेस्ट उन्होंने किया उन्होंने यू नो जितने भी टेस्ट होते हैं शुगर थायराइड बीपी वगैरह सारी चीज़ें करी एंड नेक्स्ट जो डे था उनतीस को उन्होंने मेरा प्रोसेसर स्टार्ट किया बिकॉज़ तब तक उन्होंने आधे लोगों को खाली कर चुके थे आधों की डिलीवरी करा चुके थे एंड हैड्स ऑफ या डॉक्टरों के लिए कि वो ना लोगों की इतनी जान बचाते हैं बिलीव मी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा भीड़ इसीलिए है कि हर किसी को अपनी डिलीवरी नॉर्मल करानी है मतलब मुझे लगता है कि सौ में से नाइन्टी लोग इसीलिए लिए वहाँ पर आते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होए इसलिए गवर्नमेंट में आते हैं बिकॉज़ कहना है कि प्राइवेट में ना वो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और सीधा वो क्या कर देते हैं आपको सी सेक्शन में ले जाते हैं या ऑपरेट कर लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि वो मतलब नाइन्टी आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे और वन चांस होता है कि वो आपका ऑपरेशन करवाएं जहाँ पर उनको रिस्क ही बहुत ज़्यादा लगता है अदरवाइज़ वो सबका ही नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं आई डोंट नो पता नहीं क्यों वो इतना रिस्क लेते हैं एंड मेरे केस में भी ऐसा ही था उन्होंने इतना रिस्क लिया मैं बता नहीं सकती और जैसे ही उन्होंने 29 तारीख से मेरा प्रोसेस शुरू किया सबसे पहले उन्होंने मेरे पैलवे एरिया को चेक किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ दो फिर उसके बाद डेढ़ डेढ़ इंच के बाद दो इंच ही खुल रहा था बिकॉज अब टाइम आ गया था तो उन्होंने बोला कि दो सॉरी दो सेंटीमीटर ही खुला था फिर उन्होंने क्या किया एक पाइप डाला उसके थ्रू वहाँ जेल डाला उन्होंने ताकि वो और खुल जाए तो जेल डालने के बाद भी मतलब जेल डाला उन्होंने ताकि मुझे मेरा जो रास्ता है वो खुले कॉन्ट्रेक्शन आए मुझे वो मुझे पूछ रहे थे बार बार कि आपको दर्द हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं तो मैं उन्हें बोला सीधा कि नहीं हो रहा है भाई मुझे कॉन्ट्रेक्शन आ ही नहीं रहे तो मैं झूठ क्यों वो बोलूँ कि मुझे दर्द हो रहा है तो उन्होंने मुझे अट्ठाइस को एडमिट करके मतलब उनतीस को दो बजे से उन्होंने मेरा प्रोसेसर स्टार्ट किया उनको ये था कि अब हमने इसकी डिलीवरी करानी है बिकॉज इसका फोर्टी वन वीक चल रहा है एंड बच्चे का होना ज़रूरी है तो जो जो भी बड़ी डॉक्टर्स राउंड पे आ रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ इसका कराना ही आपने सो मैं सुन रही थी जब वो बातें कर रहे थे मेरे सामने पे तो फिर वही था कि मुंह बिल्कुल नहीं खुला था कुछ लोगों का कहना था कि अरे दूसरा बच्चा है बहुत इजीली हो जाएगा मुंह पहला बच्चा भी नॉर्मल मेरा जो प्रीसा है वो नॉर्मल हुई है और वो भी मतलब फेक जो पेन देते हो उससे ही नॉर्मल हुई है उसका टाइम पे भी काफ़ी मुझे डेंजरस स्ट्रगल करना पड़ा था लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा था सो so, फिर उन्होंने क्या किया कि जेल डाला उसके बाद भी मतलब दो बजे उन्होंने डाला था तो फिर पाँच बजे उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने देखा फिर हाथ डाल के तो उन्होंने देखा कि सिर्फ साढ़े तीन सेंटीमीटर मतलब खुला है उसके बाद उन्होंने ड्रिप चढ़ाना शुरू कर दिया था कि अब मेरे को कॉन्ट्रेक्शन आए कॉन्ट्रेक्शन आ रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था दर्द एकदम लगातार नहीं चल रहे थे बहुत लेट लेट में आ रहा था जैसे अभी आ गया तो कम से कम आधा घंटे बाद दूसरा आ रहा था फिर आ रहा था फिर आधा घंटे के लिए बंद फिर आ रहा था फिर आधा घंटे के लिए बंद तो ऐसे में डिलीवरी होना आसान मतलब नहीं हो पाएगी नॉर्मल और साथ ही मुँह भी नहीं खुल पाएगा मतलब जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है पैलवी एरिया नहीं खुल पाएगा बच्चे कैसे बाहर निकलेगा इतनी मतलब फिर उनतीस का पूरा मतलब शाम का टाइम से कॉन्ट्रेक्शन आ रहे थे जा रहे थे रात भर ऐसे ही हो रहा था तो फिर मैं सो भी गई थी वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता आप लेबर रूम में आपके साथ कोई नहीं होता है मतलब घर वालों को नहीं आने दिया जाता है ना आपके हस्बैंड को ना आपके फैमिली मेम्बर को किसी को भी नहीं बिकॉज वहाँ पर इतनी लेडीज़ होती हैं वो किस किस के घर वालों को अंदर बुलाएंगे और अंदर बुलाएंगे तो मतलब औरतें लड़कियाँ ऐसे सिचुएशन में लेटी रहती हैं कि आप मतलब कोई क्या ही करेगा तो वहाँ पे किसी को आना अंदर अलाउ नहीं होता है और सेफ भी नहीं होता मुझे लगता है देन सबसे वहाँ पे मुझे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आप दर्द में अपनों के साथ भी नहीं रह सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैं आपको कुछ मतलब वो दिखा रही हूँ कि क्या मतलब वहाँ के नेगेटिव पॉइंट है कि आप वहाँ पे एक तो अपने अपनों के साथ नहीं रह सकते अगर आपको दर्द हो रहा है अगर आप किसी अपने को देख रहे हो तो आपको रिलीफ मिलता है अपने हस्बैंड के साथ हो उसका हाथ पकड़ के खड़े लेटे हुए तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है दूसरा आप फ़ोन नहीं ले जाते हो अंदर कुछ भी अंदर अलाउड नहीं होता है लेबर रूम में कुछ भी नहीं लेबर रूम क्या मतलब जहाँ से आप अंदर घुसते हो वहाँ पे ही आपसे सारी चीज़ें ली जाती हैं और फ़ोन वन कुछ भी अलाउड नहीं होता जबकि प्राइवेट में ये सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे आप सारी चीज़ें ले जा सकते हो अपने साथ अपने हस्बैंड को रख सकते हो फैमिली मेम्बर को रख सकते हो तो ये चीज़ प्राइवेट का प्लस पॉइंट मुझे लगता है सो गवर्नमेंट में वो चीज़ नहीं है फिर उनतीस की रात को कॉन्ट्रेक्शन आ रहे थे लेकिन तीस के मॉर्निंग तक वो कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल बंद हो चुके थे फिर तीस को दस बजे डॉक्टर्स आए उन्होंने फिर से चेक किया फिर उन्होंने मेरी पहलवी कह रहा उन्होंने नीचे से जेल डाला और ताकि खुले मुंह एंड फिर से जेल डाला देन अगेन उन्होंने ड्रिप चढ़ाई कि इससे कॉन्ट्रेक्शन आए उसके बाद तीस तारीख को जो उन्होंने ड्रिप चढ़ाया दिन में दस ग्यारह बजे उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन आने लगे थे पर वो भी मतलब ऐसा गैप था कि पंद्रह पंद्रह मिनट का बीस बीस मिनट का ऐसा आ रहा था जैसे ड्रिप ख़त्म हो रही थी वैसे वो रुक जा रहे थे मतलब ड्रिप खत्म होने के बाद तो वो मतलब आ रहा था आ रहा था लेकिन जैसे ही शाम के मतलब दो बजे के बाद डॉक्टरों ने मतलब ये ठान लिया था कि अब हमने इसी पे रहना है और इसकी हमने डिलीवरी करानी ही करानी है फिर उन्होंने मुझे चेक किया बारह बजे आके फिर उन्होंने देखा कि मेरा जो आ, पैलवे एरिया है वो सिर्फ़ साढ़े तीन सेंटीमीटर खुला है मतलब दो से तीन जेल उन्होंने डाल दिए थे इंजेक्शन पैलवे के निचले निचले हिस्से में एंड सिर्फ साढ़े तीन सेंटीमीटर ही खुला था जबकि मेरी दूसरी डिलीवरी है ये एंड साढ़े तीन सेंटीमीटर ही खुला था बच्चे दानी का मुँह और मतलब इसमें नॉर्मल डिलीवरी करना इज़ इम्पॉसिबल एंड कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं आ रहे हैं अच्छे से तो फिर उन्होंने दवाई पे दवाई डालना मतलब ड्रिप से ड्रिप चढ़ाने स्टार्ट कर दिया पेन के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए जब वो इंजेक्शन डाले थे तब तो दर्द हो रहा था लेकिन उसके बाद फिर से रुक जा रहा था अब कॉन्ट्रेक्शन तो आ रहे थे लेकिन पंद्रह पंद्रह मिनट के गैप में आ रहे थे चार बजे डॉक्टर आता है और मुझे कहता है कि आप ना डिलीवरी रूम में आ जाओ और मेरे डर के मारे ऐसे हाथ कांपने लगे थे बिकॉज मुझे ये था कि जब मुझे पेन ही नहीं आ रहे हैं जल्दी जल्दी से तो मेरी डिलीवरी कैसे पॉसिबल है और ये मुझे डिलीवरी रूम में क्यों लेके जा रहे हैं एक होता है लेबर रूम जहाँ पर सारी लेडी रहती है जिनको लेबर पेन रहता है वहाँ एक होता है डिलीवरी रूम जहाँ पर आपकी डिलीवरी कराई जाती है तो वो वहाँ पर मेरे को लेके गया मतलब डॉक्टर था वो लड़का ही था मतलब ऐसी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर एज लग रही थी उसकी छोटा ही था एंड उसके साथ डॉक्टर्स और भी थी तो उन्होंने बोला कि डिलीवरी रूम में आओ आप तो मेरे को लेके गए डिलीवरी रूम में कॉन्ट्रेक्शन वही पंद्रह पंद्रह मिनट के गैप में आ रहे थे उसने मेरे को वहाँ पर लेटाता है एंड हार्ट डाल के चेक करता है देन उसके बाद उसने मेरे जो मतलब उसने क्या किया ऐसे पेंच का स्प्लास वगैरह नहीं होते वो मंगाए जिन्हें देख के मतलब मेरे को वैसे घबराहट हो गई थी वैसे दर्द भी था वैसे उनको देख के घबराहट हो गई उसने मेरे जो पेल पैलवी केरिया है ना उस उसमें बहुत बुरे तरीके से कट लगाए सीरियसली मैं बताऊँ और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जब भी मुझे लेबर पेन हो मतलब जो इंजेक्शन डालते हैं तो मुझे ना किसी तरीके का वाटर लीकेज नहीं होता है ना मेरा वाटर निकलता है ना मेरा ब्लड निकलता है कुछ भी नहीं होता है मुझे ना मेरा म्यूकस निकलता है कुछ भी नहीं मेरा पैलवी एरिया एकदम ड्राई रहता है कुछ भी नहीं निकलता तो वो मुझे यही बोल रहा था कि आपका जो पहलवी एरिया है इतना ड्राई है इतने इंजेक्शन देने के बाद भी आपका मतलब कुछ नहीं निकल रहा है सो so, वो टूल्स होते हैं उनके उन्हें देख के तो मैं वैसे ही घबरा गई थी उसके बाद उसने उन्होंने उस टूल्स से पैलवी के पे इतने सारे कट लगाए और ऐसे खोला कि वहाँ से इतना ज़्यादा पानी वाटर लीकेज मेरा तब हुआ ब्लड निकला इतना ज़्यादा तो डॉक्टर मतलब मैं चिल्ला रही कि मतलब यार ना आपको बेहोश कर रखा है ना आपको सुन कर रखा है आपको सीधा ऐसे फाड़ रहे हैं नीचे से तो ये तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन से भी ज़्यादा हिलेरियस होता है जिन लोगों को लगता है कि यार नॉर्मल डिलीवरी मतलब मैं ये नहीं बोलती कि बच्चे को जन्म देना किसी के लिए भी आसान नहीं है हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उन्होंने नीचे ऐसे कट मारे मतलब कट मेरा प्रीशा के टाइम पे भी लगा था लेकिन वो उन्होंने सिर्फ डिलीवरी कराते टाइम लगाया था लेकिन ये जो कट है इन्होंने पहले ही लगाया था यूटेर जो मुंह था पैलवी कीरे का वो सिर्फ साढ़े तीन सेंटीमीटर खुला था उसमें इन्होंने नीचे कट मार दिए उसके बाद मेरा वाटर लीकेज हुआ ब्लड निकला एंड पैलवी एरिया मेरा गीला हुआ हुआ उस दौरान कट लगाए बहुत बुरे तरीके से मैं इतना चीखी चिल्लाई मैंने बोला आई मतलब मेरे को बच्चा चाहिए नहीं डॉक्टर मुझे छोड़ दो बस मैं बोल रहा डॉक्टर मुझे से कह रहा कि बेटा थोड़ा सा यू नो you know, आप सह लो उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हम करा रहे हैं मैंने कहा मुझे आई कांट हैंडल दिस पेन मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ एंड मुझे नहीं करानी नॉर्मल डिलीवरी आप मेरा ऑपरेट कर लीजिए सो so, मतलब जो वहाँ पे बॉयज़ डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे थे लेकिन जो लेडीज़ थी उस दिन मतलब अलग अलग डॉक्टर हैं वहाँ पर लेकिन डॉक्टर इतना मतलब इतना चिला रही थी इतना चीख रही थी मुझे इतना गुस्सा उस पर आ रहा था ना कि मतलब एक औरत हो गई एक औरत का दर्द नहीं समझ रहे मतलब इतना जबकि मैं सोच के गई थी अंदर से कि दर्द तो होना ही है मुझे मतलब बर्दाश्त करना है लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर थी यार अगर आपके हाथ पे एक सब्जी काटते टाइम छोटा सा कट लग जाता है आपको कितना पेन होता है और ये मुझे हौसो हवास में मेरा पहलवी कह रहा है ऐसे काट रहे हैं ऐसे फाड़ रहे हैं उसे और इतना चीखी मैं इतना चिल्लाया मैंने बोला मुझे बच्चा नहीं चाहिए मुझे छोड़ दो यहाँ से लेकिन उस टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आपको इतना ख़तरनाक पेन होता है मुझे ये था कि मैं जिंदगी में यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आऊँगी इस हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी बट वहाँ पर मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अच्छे नहीं है डॉक्टर अच्छे हैं वहाँ पर लेकिन किसी किसी का नेचर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है वहाँ पर मतलब ये नहीं समझते कि यार इस किस तरीके से ये बंदा झेल रहा है एंड दूसरा वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं यार बहुत ज़्यादा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो वहाँ पे इस चीज़ में मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल सही लगा कि अगर नॉर्मल के चांसेस नहीं है तो आप सीधा ऑपरेशन कर लो बंदे की हालत भी तो देखो कि वो बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है आप उस आपने उस पर इतना प्रेसर दे रखा है इतना प्रेसर दे रखा है कि मतलब वो मरने की हालत में है तो जब उन्होंने उसको मेरा पेल, पेल भी घेरा फाट दिया उसके मतलब काट दिया उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन पे इंजेक्शन कि ताकि मुझे ना कॉन्ट्रैक्शन आए कॉन्ट्रैक्शन ना आए मतलब मुझे चार बजे से उन्होंने डिलीवरी रूम में रखा और रात की साढ़े बारह बजे मेरा बेटा हुआ है कैन यू बिलीव दिट मतलब साढ़े बारह बजे लगाओ आप मुझे कितना उन्होंने टॉर्चर किया होगा वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से यार सीरियसली मैं यही चीज़ अगर मैं अपनी बेटी प्रीशा के टाइम पे करूँ पेन मुझे उस टाइम भी नहीं था बट उस टाइम जब उन्होंने मेरा जेल डाला था तो मेरा का उस टाइम साढ़े आठ सेंटीमीटर खुल चुका था देन मुझे पेन भी कॉन्ट्रेक्शन जल्दी जल्दी आ रहे थे तो मेरी डिलीवरी हो गई थी आसानी से और प्रीशा जो है साढ़े तीन किलो की हुई थी उसका सर इतना बड़ा हो रखा था बट उसके बावजूद भी हो गई थी ठीक है उस टाइम मेरे को स्टिचेज आए थे दो से तीन टांके आए थे आई थिंक दो या तीन टांके आए थे जब उन्होंने कट लगाया था बट हो गई थी ईजीली लेकिन इस दौरान मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जब यू you नो know, uh, पेन इतना ही इंजेक्शन देने के बाद भी मुझे लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे जब उन्होंने मेरा कट लगा दिया उसके बाद उन्होंने मेरे पता नहीं कितने इंजेक्शन डाले मैं बता भी नहीं सकती आपको यू नो ड्रिप के थ्रू यहाँ इंजेक्शन डाल रहे थे वो कि ताकि मुझे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आए लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कॉन्ट्रैक्शन में पाँच पाँच मिनट का गैप आ रहा था पाँच मिनट बहुत तगड़ा दर्द हो रहा था उसके बाद रुक जा रहा था दर्द हो रहा था रुक जा रहा था बोल रहे थे ताकत लगा ताकत लगा यार अगर पाँच मिनट दर्द आ रहा है उस टाइम में ताकत लगा रही थी उसके बाद फिर रिलीफ मिल रहा था तो मैं जब रिलीफ टाइम में कैसे मैं ताकत लगाऊँ मतलब कैसे बंदा पुश करेगा उस टाइम जब उसको दर्द ही नहीं होगा तो फिर यही प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने इतनी सारी ड्रिप्स चढ़ाई इतनी चढ़ाई चढ़ाई ताकि हो जाए लेकिन जब एंड टाइम पर मतलब जब ये हो गया था कि रात की साढ़े ग्यारह बजे तक मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे ऊँट और मतलब ऐसे हो गए थे माँ ऐसे हो रहे थे मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे मतलब एक जो बेहोशी वाली हालत हो गई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी अब ऑनेस्टली और मुझे अपनी बेटी की अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी दिख रही थी सच्ची में मैं बताऊँगी तो उस दौरान मतलब मेरे जो लिप्स थे दर्द से इतने मोटे मोटे हो चुके थे सूख चुके थे बिना पानी के बहुत ज़्यादा दर्द था घर वाले कोई मिलने नहीं आ सकता था अमित अंदर नहीं आ सकते मेरे हस्बैंड है मेरी सास कोई भी अंदर नहीं आ सकता था ना वो बुला आने दे घुसरे देते, देते अंदर ना मेरे पास फोन है ना कुछ है इतने मोटे मेरे मेरे लिप्स हो गए थे और मैं मतलब ऐसी हो थे, ऐसी हो रही थी मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी दर्द से मतलब ठंड से मतलब बॉडी पे जान ही नहीं रहती थी उस दौरान तो मुझे ये था कि अब जो भी हो मुझे पुश करना है किसी भी तरीके से कर तो मैं रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था फिर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रेक्शन आने लगे थे फिर आए जल्दी जल्दी तो 12 12 बजे 12 बजे फिर मैंने जोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि डॉक्टर प्लीज़ आओ हेल्प करो हेल्प करो उसके बाद डॉक्टर आया जो वो लड़का था मैं ऑनेस्टली उसको थैंक यू बोलूँगी बिकॉज उसने ही मेरी बहुत हेल्प करी है मेरी डिलीवरी के दौरान बट जो लेडी की मैं ये नहीं बोलती कि सारे डॉक्टर खराब हैं कुछ जो गर्ल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं बहुत केयरिंग है बहुत दूसरों का दर्द समझती है लेकिन जिसकी जब जो, जो मतलब मेरे टाइम पे वहाँ पे डॉक्टर जिसकी ड्यूटी लगी थी वो मतलब इतनी बदतमीज़ थी इतनी बदतमीज़ थी मैं बता भी नहीं सकती यार उसने मेरे दर्द के टाइम पर इतना जोर का चांटा मारा मतलब मेरा मन कर रहा था ना कि इस पर केस कर दूँ सही मैं दिमाग ख़राब हो गया था मेरा बट फिर वही था कि यार यहाँ से हम इतनी सारी खुशी लेके जा रहे हैं तो फिर उसी उन्हीं पर मतलब वो करना ठीक नहीं होता लेकिन ये चीज़ सही नहीं है मतलब इतना तेज़ दर्द हो रहा है उसके बावजूद तो मेरे थप्पड़ मार रही रही कि तू चिल्ला क्यों रही है? ये क्यों ये कर रही है तो कितना गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों में कितने तो फिर बारह बजे के करीब डॉक्टर आया और उसने जब चेक किया तो उसको ये लग गया था कि अब इसकी बुरी कंडीशन हो चुकी है तो फिर जब मुझे कॉन्ट्रेक्शन आने शुरू हुए तो उन्होंने मुझे बोला कि पुस करो पुस करो पुस करो तो बहुत हेल्प करी उसने जो मतलब बॉय डॉक्टर था तो उसने मतलब मेरे को ऊपर से मेरे पेट पे चढ़ के ऐसा पुश करा बेबी को ताकि बाहर निकले बाहर निकले जितनी मेरे पे जान थी मैंने बोला जो भी होए करा उसके बाद फाइनली बारह बज के छत्तीस मिनट पे मेरा बेबी हो गया था एंड जब उसको देखा मैंने तो इतना मतलब मेरे को रिलीफ मिला कि चलो ये ठीक ठाक है एंड सब कुछ ठीक है बिकॉज इतने सारे केसेस मैंने वहाँ पर देख लिए थे ना कि बहुत डर भी हो रहा था और मुझे ये लग रहा था कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्लस पॉइंट ये है कि वो अपना 100 परसेंट देते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में एंड दूसरी जो वहाँ का नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि ये बंदा इतना जेल पाएगा या नहीं जेल पाएगा सोच लीजिए आप तीन दिन तक उन्होंने मेरे को दर्द से मारा और साढ़े तीन सेंटीमीटर में मेरा यू नो पैलवी केरा खुल रखा है और साढ़े तीन सेंटीमीटर में उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई तो आप खुद सोच लीजिए ना कि ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने चीर फाड़ करके नीचे से बच्चों को कैसे करके निकाला बस उन्हें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी थी तो ये चीज़ सही नहीं है मतलब मेरे को ये है कि अगर नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास आप सीजीरियन कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ इतना मतलब भयानक वो मत कीजिए ना कि बंदा झेलने वाला भी तो होना चाहिए तो फिर जब बेबी हो गया तो फिर उन्होंने मम्मी पापा को सॉरी अमित को और मम्मी को मेरे सास थी वहाँ पे उनको दिखाया एंड मेरा तब तक अंदर प्रोसेस चल रहा था उन्होंने टाँके लगाए मेरे पैरवे के रह पर और टाँके मेरे काफ़ी सारे आए हैं काफ़ी सारे उन्हें रिकवर करने के लिए मुझे बहुत चीज़ें मतलब करनी पड़ी हैं एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैं आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता देती हूँ कि प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और यही वहाँ का प्लस पॉइंट है मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई वहाँ पे प्लस पॉइंट है बाकी वहाँ के सारे नेगेटिव पॉइंट है मैं ऑनेस्टली बताऊँ अपना एक्सपीरियंस एक तो आपके साथ वालों को नहीं आने देते हैं दूसरा आप दर्द में अपने किसी साथी को अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर को अपने घर वालों को नहीं रख सकते अपने पास दूसरा यह है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं हंड्रेड में से पाँच डॉक्टर ऐसे हैं जो आपसे पोलाइटली स्वीटली बात करेंगे नाइन्टी डॉक्टर बहुत रूडली बात करते हैं और सबसे बदतमीज़ वहाँ पर गर्ल्स जो डॉक्टर होती हैं वो बहुत बदतमीजी से बात करती हैं से तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि वहीं पर अगर उनका कोई प्राइवेट क्लिनिक होगा वहां पर वो इतने प्यार से क्लाइंट से बात करेंगे लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों इतने बदतमीजी से बात करते हैं आप ओ में चले जाओ बिल्कुल भी बात करने की उनको तमीज़ नहीं है मतलब जिस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना उसको तो मतलब सदमा ही लग जाएगा उनकी बातें सुन के इतना गंदा बोलती हैं वो तो ये वहाँ का नेगेटिव पॉइंट है और तीसरी चीज़ ये कि आपकी प्रॉब्लम वो सुनती ही नहीं है उनको अपना ही रखना है आपकी प्रॉब्लम वो सुनती ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या आप कहना चाह रही हैं तो वो चीज़ नहीं सुनते हैं वहाँ बाकी जो वहाँ का खाना पीना होता है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर रखी है सरकार अपनी तरफ से अपना हंड्रेड परसेंट दे रही है बाकी तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के नेचर पे डिपेंड करता है ना हम गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए टारगेट नहीं कर सकते हैं सो so, ओवरऑल uh, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो परफेक्ट है अपना हंड्रेड देते हैं वो लोग अगर वही चीज़ अगर मैं प्राइवेट में होती तो मेरा किसी भी हाल में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है नहीं होता वो मेरा सीजीरियन ही करते हैं मतलब मैं गारंटी देती हूँ इतना वेट कोई नहीं करता है दो दो तीन तीन दिन तक तो उन्होंने पूरा मतलब अट्ठाईस उनतीस और तीस पूरा दिन वेट किया एंड तीस को रात को मतलब थर्टी फर्स्ट को स्टार्टिंग में ही साढ़े बारह बजे बेबी हुआ है तो मतलब टच वुड ये है कि नॉर्मल हुआ बट नॉर्मल किस तरीके से हुआ मुझे लगता है कि मेरे जो पैलवी गेरा में टांके भी बहुत आए हैं और उन्हें रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लगा है मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है एंड अभी फाइनली एक महीना हो होने वाला है कल एक महीना हो गया है होगा और मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है बस थोड़ा सा पैलवी गरह में हल्का दर्द रहता है बट उसका भी चल रहा है प्रोसेस एंड साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि जल्दी रिकवर कर, हाँ तो तो कर साथ ही अपनी बॉडी को रेस्ट करने का बहुत जरूरी है कि आप एक महीना से रेस्ट करें फोर्टी वीक फॉर्टी वीक नहीं सॉरी चार हफ्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप अच्छे से अपनी को दें, बेबी को दें। और आपको रेस्ट करने की जरूरत है साथ ही अच्छा खाने की जरूरत है अगर आपको टांके वगैरह वगैरह प्रोटीन तो कुछ लोग मुझे बेबी का वेट पूछ रहे थे तो मेरा बेबी हुआ है 3.4 पॉइंट का जी हाँ और काफ़ी हेल्थी हुआ है अच्छा हुआ है टच वुड एंड साथ ही uh, ये देखो जिन लोग जो लोग पहली बार यू you नो know, बनने वाले हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी का लेबर पेन एक जैसा होता है डिलीवर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर से नेचुरल पेन आ रहा होता है उनका पैलवी के खुला हुआ होता है आते हैं पाँच मिनट डिलीवरी रूम में रहते हैं और उनका बच्चा बाहर आ जाता है मतलब जब तक मैं अपने लेबर डिलीवरी रूम में थी कितने ही लोग आए और पाँच पाँच मिनट में उनके बच्चे हुए और वो बाहर चले गए इतना ईजिली मतलब दर्द तो सबको होता है सब झेलते हैं लेकिन किसी का दर्द कुछ देर का होता है किसी का बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो जिन लोगों को नेचुरल पेन होता है ना उनका बहुत प्लस पॉइंट है कि उनका पैल्वी केरा नेचुरली खुल जाता है और उनके ईजिली डिलीवरी हो जाती है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को मुझे लगता है फेस करनी पड़ती है जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं आता है मेरी तरह और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मतलब मुझे लगता है कि हंड्रेड में से फोर्टी परसेंट लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें नेचुरल पेन आता है एंड सिक्सटी परसेंट लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं आता है उन्हें वहाँ पर आर्टिफिशियल पेन दिया जाता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए एंड हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है माँ बनना अपने आप में बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत एहसास है एंड और जैसे ही आपका बेबी आपके हाथ में आता है आप सारा दर्द अपना भूल जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मतलब आ, होती हैं एंड uh, सिजीरियन की अगर मैं बात करूँ तो सिजीरियन में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है आपके कट स्टेजेस लगते हैं बट ऐसा नहीं है कि सीजीरियन आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है बस सीजीरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो आपको अपनी केयर करने की जरूरत है रिकवरी हर कोई हर किसी की बॉडी मांगती है तो अच्छे से अपने को टाइम दें अच्छे से अपनी बॉडी को रेस्ट दें और जो चीज़ें खाने पीने के लिए आपको लगती हैं कि आपके लिए सुटेबल हैं अच्छे से प्रोटीन लीजिए आयरन कैल्शियम आपने कंटिन्यू लेना है जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तब तक एंड देन खूब सारा ध्यान रखिए अपना तो ये था मेरा आज का वीडियो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड के क्वेश्चन पूछने किसी भी रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं तो आई होप आपको पसंद आई हो मेरी ये जर्नी एंड पसंद आई तो प्लीज गाइड वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय बैठे लव यू गाइस